दोस्तों नमस्कार, मैं आपका एस्ट्रोफ्रेंड देश आज एक बार फिर आपके सामने ज्योतिष के बारे में कुछ विशेष नई जानकारियां लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का दिन आपका मंगलमय हो ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। माँ भगवती के पावन नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों की आपको सभी को जो है लाख लाख बधाई हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे चंद्रदेव के बारे में। यदि कुंडली में चंद्रदेव खराब हो जाते हैं या खराब स्थिति में चले जाते हैं तो घर की जो है टैप्स लीकेज होनी शुरू हो जाती है, घर में सीलन आ जाती है या घर में दूध जो है वो फटना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। और जो माता या दादी या नानी को जो है वो कोई ना कोई लंबी बीमारी या कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ती है अपनी लाइफ में। आगे हम बात करेंगे कि चंद्रदेव की अगर खराब परेशानियाँ या निशानियाँ हमें कुंडली में मिल रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए। चंद्रदेव को ठीक करने के लिए हमें माता या दादी या नानी से चांदी की डिब्बी में चावल लेकर रखने चाहिए और रोज उन चावलों के दर्शन करने चाहिए और चंद्रदेव का जो है वो ध्यान करना चाहिए। और इसके बाद जो है बरसात जब भी आए तो बरसात में नहाएं या बरसात के पानी से नहाएं और बुजुर्ग औरतों का आशीर्वाद लेते रहें। बुजुर्ग औरतों में जो है दादी नानी या माता भी हो सकती है या अन्य कोई भी बुजुर्ग औरत हो सकती है जिसका आशीर्वाद लेते रहने से आपका चंद्रदेव ठीक होगा। चंद्रदेव हमारे कैश पैसे के फ्लो भी है, यदि चंद्रदेव खराब होंगे तो कैश पैसे का फ्लो भी कम होगा, इसलिए चंद्रदेव को कुंडली में ठीक करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आप अपने चंद्रमा के उपाय करके चंद्रदेव को ठीक करें और खुशी हासिल करें। नमस्कार।